भाजपा में गठबंधन को लेकर तीखे बोल बीते दिनों काफी चर्चाओं में रहे। बीजेपी नेताओं ने जमकर जजपा को फोर ग्रांटेड लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर अब जजपा के तेवर भी तलक हैं और वो बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सीधी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। और ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीधी टक्कर देने के लिए जजपा ने अपना मन बना लिया है। दुष्यंत चौटाला ने आज हांसी में साफ कर दिया कि जननायक जनता दल हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो 10 की 10 पे तैयारी कर रहे पैनी क्या मतलब? राजनीतिक आदमी तो 24 घंटे राजनीति करता है और वो हर तरफ आप कहोगे तो लड़वा देंगे। एक तरफ बीजेपी लोकसभा की 10 की 10 सीटें बढ़िया मार्जिन से जीतने के दावे कर रही है, तो अब दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में जजपा भी पीछे नहीं है, वो भी सभी सीटों पर अपना दम दिखाने के लिए तैयारी में है। वैसे दुष्यंत के इस बयान के बाद एक बात फिर साफ हो गई है कि भाजपा और जजपा का गठबंधन अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, मगर देखने वाली बात ये रहेगी कि मिली जुली सरकार आखिर चलती कब तक है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला आज हांसी पहुंचे थे, जहां यहां PWD रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया, जो कि करीब 5.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। तो वहीं हांसी को जिला बनाने की बात पर दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, सुनिए। इतनी जल्दी प्रपोजल आएगा, कमेटी आज इंतजार कर रही है, हम तो बैठ कर उसको टेकअप करेंगे। इसमें मैं भी प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा विधायक जी भी साथ लग के जो यहाँ कैसे रीअलाइनमेंट हो, कैसे कोई हमें जिले के अनुसार अगर प्रपोजल बनाना है तो कौन सा एरिया ऐड होगा, कौन सा एरिया सब्सट्रैक्ट होगा, 5 लाख की आबादी हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। जब तक इस पे प्रपोजल नहीं बनेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई इस प्रपोजल के ऊपर विचार कर पाए। प्रपोजल अभी तक आया कोई प्रशासन नहीं, आज तक हमारी कमेटी के पास हांसी के लिए कोई प्रपोजल नहीं। यहाँ तो बड़ी चर्चा रहती है जिला बनने वाले आप। चलो चर्चा तो मैं कर दूं आपसे कि कल बना दूं, मगर आज के दिन वायबिलिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की, उस गाइडलाइंस को देखते हुए नियम है कि उसके अंदर 5 लाख की आबादी होनी चाहिए, 3 सब डिवीजन होनी चाहिए, 6 ब्लॉक्स होने चाहिए और 100 से ऊपर गांव होने चाहिए। उस अनुसार जैसे ही प्रपोजल आएगा जरूर प्रदेश सरकार। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिला बनाने के लिए हम 5 लाख की आबादी कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, जब तक इस बात पर प्रपोजल नहीं बनता तब तक सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती। कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला ने इनकार कर दिया है कि हांसी अभी जिला नहीं बन पाएगा। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।